जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या के एक और मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसका नाम है राज द्वार मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ये बिल्कुल हनुमानगढ़ी मंदिर है जो अयोध्या में उसके सामने है। और ये मंदिर अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है मणि पर्वत के बाद से। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये मंदिर कनक भवन, हनुमानगढ़ी, रामलला जन्मभूमि के पास ही है। और जो दूसरा जो मणि पर्वत है वो यहाँ से करीबन करीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और ये मंदिर यहाँ के प्राचीनतम ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों में शुमार है। कहा जाता है कि इस मंदिर को यहाँ के जो राजा साहब हैं उन्होंने बनवाया था, उनके पुरखों ने बनवाया था। आज भी ये मंदिर उन्हीं की देख रेख में चलता है और उन्होंने इसकी सेवा, पूजा अर्चना और देख रेख के लिए एक पुजारी नियुक्त कर रखा है जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता है। और जो प्रभु श्री राम और माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की सेवा करते हैं, जो पुजारी जी का परिवार है वो मैं परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और पूजा करते हैं। तो ये मंदिर अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि मानो जैसे ये संसद भवन का जो डिज़ाइन है उस तरीके से हल्का हल्का चारों तरफ से गोल घूमा हुआ और बहुत सारे दरवाजे झरोके, और जो मेन दरवाज़ा है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक बात है कि इस मंदिर के आप आउटर्स में चारों तरफ से घूम नहीं सकते हैं, परिक्रमा नुमा चीज़ नहीं है। शायद पहले हुआ करती थी लेकिन बाद में छोटे छोटे कमरे और ये चीज़ें बनाकर उस परिक्रमा को बंद कर दिया गया। तो ये इस मंदिर का एक आप माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि इसकी परिक्रमा नहीं है। बाकी ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और चलिए हम अंदर आपको अब दर्शन कराते हैं कि ये, और दिखाते हैं साथ ही कि ये मंदिर अंदर से है कैसा। तो नाम तो हमने आपको बता ही दिया था कि प्राचीन श्री राजद्वार मंदिर अयोध्या। तो इसमें देखिए बड़े भव्य रूप में, बड़ी शालीनता के साथ हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं। और गर्भगृह है जो, जिसे जगमोहन बोला जाता है हिंदी में, जिसमें प्रभु श्री राम विराजमान है, बड़ा ही सुंदर है। और ये आसपास ये जो यहाँ के राजा हैं उन्होंने मंदिर बनवाया था, उनकी छवि है। और ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये एक अनोखी और अद्भुत प्रतिमा है। इस प्रतिमा का यहाँ पर उपयोग जब रामलीला होती है, भव्य रामलीला होती है अयोध्या की, उसमें उपयोग किया जाता है इस प्रतिमा का। और उसके बाद इसकी पूजा चलती रहती है निरंतर। तो ये है इस मंदिर की खासियत। जय श्री राम।